صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ये हमारा आज का दूसरा सेक्शन है. पहले दरस में हमने सुने थे कि अल्लाह ताला की खुसूसियात दावती मैदान में सबको फायदा और हमारी रहनुमाई करने वाली कुछ खुसूसियात हमने सुने, पूरे 10 खुसूसियात. अब जो दूसरा सेक्शन है आयतुल कुर्सी के सिलसिले में, देखो ढेर सारे फायदे, उनमें से मैं और आप हमारे लिए जो बहुत अहम हैं उनको हमें सुन रहे हैं. तो अब जो दूसरा जो सेक्शन में है इंशाल्लाह उसकी फजीलत, आयतुल कुर्सी के अंदर जो फजीलत है उसके ज़रिए से मैं और आप कैसे दुआ कर सकते हैं. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार दुआएं नाजिल किया, सिखाया, खुदा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला जन्नत से निकलवाया तो कहा अल्लाह ताला ने कि तुमसे मैं कहा नहीं था कि शैतान से बचो, तुम दोनों शैतान के वसवसे से बचो, मैं बोला नहीं था तुम्हारा. और उसके बाद अल्लाह ने सिखाया बोलो ये बोलकर काला रब्बना ज़लमना अनफुसना, यानी उन दोनों ने कहा फिर बाद में कि अल्लाह हमसे अपने जुल्म हुआ, हमसे गलती हुई, हम अपने आप पर जुल्म किए. तो बहरहाल ऐसी दुआओं में बड़ी बेहतरीन दुआ, बड़ी अजीम दुआ अगर कोई है तो वह आयतुल कुर्सी. तो सबसे पहले हम आयतुल कुर्सी के अंदर जो शिर्क के बारे में, शिर्क की कबाहत आयतुल कुर्सी के जरिए से मैं और आप समझे कि इसके अंदर जो लफ्ज़ है अल्लाह, लफ्ज़ इस्मे जलाला अल्लाह जो है उस अल्लाह का माना बयान किया जाता है. बहुत सारे लोग अल्लाह का कोई माना नहीं समझते हैं. अल्लाह का अगर माना नहीं बोलते हैं तो ये एक मुतज़िला का एक फ़िरका है, उस फिरके में बढ़ जाएंगे, यानी बह जाने वाला गुमराह होने वाला एक फ़िरका है. उस फिरके वालों का कहना है कि अल्लाह का कोई माना नहीं, अलैहि वसल्लम. इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अल्लाह का माना है, अल्लाह एक मुश्तक है, यानी अल्लाह ताला का एक माना है, अल्लाह ताला का एक माना है. एक दुक्तूर सईद बिन अली अल-क़हतानी वो बयान करते हैं अल्लाह का माना, अल्लाह हुवल मअलूहु अल-मअबूदु ذُلْ أُلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ. इसका माना अल्लाह का माना, अल्लाह का माना ये है कि अल्लाह बोले तो वो अकेला अल्लाह, वो माबूद बरहक है, वो तमाम इबादतों का मुस्तहिक है. अल्लाह का माना क्या माना है अल्लाह का, अल्लाह माबूद बरहक है, उसी एक की इबादत की जानी चाहिए, उसी एक अकेले अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए. दूसरों की इबादतें, दूसरों का शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं. इन्नहु मन यशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अलैहि जन्ना, अल्लाह ने फरमाया शिर्क करने वालों को अल्लाह ताला जन्नत उनके ऊपर हराम कर देता है. तो इतना नफरत करता है अल्लाह ताला शिर्क से, अपने जात के साथ किसी को मिलाने से. लोग मिलाते हैं मुसलमान, जबकि ये आयतें, ये अजीम आयतें अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए भेजा है. ख़ास तौर से जो मुसलमान हैं उनके लिए शर्म आनी चाहिए, उनको अफसोस है, उनके ऊपर दुख है कि कुरान मजीद की इतनी अजीम आयतें रखने के बावजूद वो शिर्क कैसे करते हैं. बहुत बुरी बात है, अफसोस की बात है हमारे लिए. मुसलमानों में ऐसे भी भाई हैं कि वो अल्लाह के साथ शिर्क बनाते हैं, जबकि इतनी अजीम अजीम आयतें अल्लाह ताला नाज़िल किया. तो अल्लाह, अल्लाह का माना ये है. और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये जो आयत के अंदर, इस आयत के अंदर कई खसूसियात बयान किए हैं, इससे पहले सुने. ख़ास तौर से शिर्क करने वाले ज़ात में शिर्क करते हैं, जबकि अल्लाह की ज़ात अकेली है, उसके जैसी कोई नहीं, उसका सानी कोई नहीं. अल्लाह के सिफात में अकेला है अल्लाह ताला, अल्लाह के नामों में अकेला है अल्लाह ताला, अल्लाह के अपने कामों में अकेला है अल्लाह ताला.
उसके साथ इबादत करने में भी अकेला आया जाता है। ला इलाहा उलूहियत बोलते नहीं, तौहीद उलूहियत, इबादत में उस अकेले अल्लाह के कोई और साथी नहीं, उसका कोई और शरीक नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ कि ये जो पांच चीजें हैं ये पूरे के पूरे अल्लाह के हक हैं। पांच बातें, जात, सिफात, नाम और काम, इबादत, पांच बातें ये सब अल्लाह के हक हैं। इन पांच बातों में अगर आदमी कोई आज है बहुत सारे या अलीम अल मदद बोलते हैं, या गौस अल मदद बोलते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह की जो सिफत है, अल्लाह क्या है, रहमान नहीं, या रहमान हमें पुकारे जाए, हदीस में है या रहमान बोल के दुआ करो। अल्लाह के जो नाम है, अच्छे अच्छे जो सिफात हैं अल्लाह के नाम, सिफती नाम, उन सिफती नामों को अल्लाह की पुकारो या रहमान। उसकी सिफत क्या है, रहमा, रहमत, या रहमत बोल के पुकार रहे, अल्लाह की सिफत है ना, या रहमत अल्लाह की सिफत है। अगर ऐसा भी पुकारे तो शिर्क है, बहुत नाजुक मसला है शिर्क का मामला। तौहीद, इंसान देखो अल्लाह ताला जिसको चाहता है तौफीक देता है तौहीद की। इमाम इब्ने तैमिया इतनी बड़ी नाजुक बात हमारे को समझाते हैं कि कहते हैं कि इस्लाम के अंदर या रहमत बोल को पुकारना भी मना है, ये भी शिर्क है। या रहमान पुकारो, कुली दुअल्लाह अभी दुअर्रहमान, अल्लाह ने खुद कहा कि तुम अल्लाह के नामों रहमान बोलकर पुकारो, अल्लाह के नामों रहीम बोलकर पुकारो, या रहमत नहीं है ना। अल्लाह के जो सिफती नाम है, सिफात ही सिफात, उन सिफात को नहीं पुकारना है, सिफती नामों को पुकारना है। तो बहुत बड़ी बात मेरे और आपके लिए बयान की गई। और ये जो जो तौहीद अकीदा जो बात है, तौहीद के आयतुल कुर्सी के अंदर जो तौहीदी बात है, तौहीदी और तंदीदी दोनों बातों को जोड़ा गया। तंदीदी बोले तो अल्लाह ताला कहते हैं वो मिनन नास मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, अन यत्तखिदा अन यत वो मिनन नास अन यत्तखिदा मिन दूनिहिम युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, यानी लोग लोग क्या करते हैं अल्लाह के अलावा कई माबूदों को बनाते हैं। अंदा, अंदा बोले तो तंदीदी बोलते हैं इसे, शरीक करते हैं लोग अल्लाह के साथ, किसी को शरीक करते हैं। तलबिया पढ़ते हैं तवाब में, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका इल्ला शरीक पढ़ते हैं मुशरिकी काफिरी, जबकि वैसा नहीं है। तलबिया में अकेले अल्लाह को हाजिर करना, अकेले अल्लाह के सामने खड़े होना है अपने आप को, अल्लाह मैं हाजिर हूँ तेरे अलावा कोई शरीक नहीं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमद व निअमत लक व मुल्क ला शरीक लक, ये जो तलबिया है उसके अंदर ये लोग शरीक करते हैं अल्लाह को, यानी तंदीद करते हैं, लोग मिलाते हैं जात के साथ, अल्लाह की जात अकेली है। मगर यहाँ लोग क्या करते हैं मुसलमान, या दस्तगीर बोल के किसी को पुकार रहे हैं, या गौस आजम बोल के किसी को पुकार रहे हैं। तो ये सब नाम अल्लाह के, जिल्ले इलाही ये भी क्या है, बादशाह को देते हैं लोग, अरे बादशाह है जिल्ले इलाही बोलते हैं, यानी अल्लाह का साया है वो खास है, अल्लाह का साया अल्लाह के लिए खास है वो, तो लोग यहाँ लोगों को देते हैं, बादशाह को देते हैं। तो ये जो बहुत बुरी बात है, अपनी जगह जो तौहीद है, देखो अल्लाह जो तौहीद का जो लफ्ज इसमें जलाला अल्लाह है, ये जो तौहीद है बहुत अजीम चीज है, बहुत अजीम बात है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला के बारे में आता, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह कहते हैं कि एक इंसान से एक जिन का सामना हुआ, एक इंसान से जिन का सामना हुआ, जिन कहने लगा कि तू मुझे कुश्ती लड़, मेरे से कुश्ती लड़, मुझे गिरा, मैं तुझे एक तोहफा दे दूँ, एक हदिया दे दूँ, एक ऐसी अजीम आयत में तुझे बताता हूँ। तो वो इंसान क्या करते हैं, पछाड़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उठता है, फिर कुश्ती लड़ी, फिर पछाड़ते हैं। तो वो जिन कहता है और ये जो गिराने वाले कहते हैं कि जिन जिन्नों के अंदर इतनी कमजोरी है, ताकत ही नहीं है तुम्हारे में, कमजोर कुत्ते की मिसाल है तुम्हारी, तो जिन को वो इंसान कहते हैं। तो उसके बाद वो जिन कहते हैं देखो मैं तुम्हारे से वादा किया था एक आयत बोलूंगा, तो वो आयत है आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, तुम्हारे शैतान के बीच में अल्लाह का एक मुहाफिज आड़े आ जाएगा, हमेशा अल्लाह ताला मुहाफिज रखेगा। आयतुल कुर्सी सुबह में पढ़ो, शाम तक हिफाजत अल्लाह ताला की तरफ से की जाएगी, शाम में पढ़ो सुबह होने तक एक अल्लाह ताला के निगरान एक मुहाफिज फरिश्ते आकर खड़े हो जाएंगे, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो ये कहकर चला गया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह बयान करते हैं वो इंसान उमर बिन खत्ताब थे, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाकये को नकल किया। तो मालूम हो रहा है इस वाकये से कि आयतल कुर्सी के अंदर और भी अजमत वाली बातें हैं, अकीदे से जुड़ी हुई बातें हैं। और अल्लाह ताला आयतल कुर्सी के फौरन बाद
आयत अल कुर्सी की आयत नंबर कितना 255 50 पर 5 250 पर 6 भी आया है ला इकराहा फिद्दीन قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى यानी فمن يكفر بالطاغوت जो तागूत का इंकार करते हैं तौहीद का अपोजिट तागूत है शिर्क है तागूत के बारे में बहुत सारी बातें हैं शिर्क आता और शैतान के वसों से बहकावा गुमराही बिदात खुराफा सब आते हैं अल्लाह की नाफरमानी पूरी बातें आती हैं तागूत में तो जो तागूत का इंकार करते हैं فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखते हैं तो वो क्या है असल में वयुमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उरवतिल उस्का एक मजबूत कड़े को वो थाम लिए हैं ऐसा मजबूत कड़ा तफसीर में आता है मुफस्सिरीन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि तमाम दुनिया की ताकतें आसमान और जमीन पूरे पल्ले में बल्कि एक कड़े में रख दें एक कड़े के अंदर वो कड़ा इतना मजबूत है कि सारी चीजों को पारा पारा करता है वो ताकतवर कड़ा टूटता है वो कड़ा क्या है फटता नहीं टूटता नहीं उसके अंदर इतनी मजबूती है वो मजबूती असल में क्या है अल्लाह पर ईमान वो मजबूती अकीदा तौहीद है अकीदा ईमान है ईमान का अकीदा ईमान के अकीदे को हम मजबूती से थाम लें तो दुनिया की पूरी ताकतें हमारे सामने कमजोर हो जाएंगी ईमान की ताकत आज ना होने की वजह से मुसलमान कमजोर है मैं और आप बोले कि मैं शिर्क नहीं कर रहा हूं फिर भी मेरी ताकत कहीं को नहीं दिख रही अल्लाह ताला कमजोर ही रखा है मुसलमानों को ये बात नहीं तमाम लोगों में आना है एक कसीर तादाद में होनी है वो ताकत सहाबा इकराम की जो छोटी यानी टोली भर जमात भी थी मगर उनमें जो इत्तेहाद जो ताकत थी ईमानी कुव्वत थी उस कुव्वत की बदौलत वो 313 होते हुए 1000 के ऊपर गालिब आते थे ईमानी कुव्वत है वो ईमानी ताकत है ईमानी कुव्वत थी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह उनके पास इसीलिए शैतान अल्लाह के नबी खुद गवाही देते ना उमर तुम जिस गली से आते हो शैतान दूसरी गली से तुम दबा को भाग जाता है रिवायतों में हदीसों में आता है कि आयतल कुर्सी पढ़ के जाओ घर में उस्ताद अहमद की हदीस है आयतल कुर्सी तुम जिस घर में जाते हो अपने घरों में तो आयतल कुर्सी पढ़ के जाओ गधे की जैसा रोते बिलबिलाते शैतान भाग जाता है उस घर से आज हमारे घरों में मुसीबतों की आवाजें आ रही तकलीफों की आवाजें आ रही रोने की आवाजें आ रही हम लड़ रहे हम बिगड़ रहे हम गुमराह हैं सबब क्या है तौहीद नहीं है हमारे पास अकीदा नहीं है हमारे पास आयतल कुर्सी की अजमत मालूम नहीं है हमारे पास तो इससे मालूम हुआ कि जितनी भी मुसीबतें तकलीफें परेशानियां सारी चीजें इससे ईमान की कुव्वत के सामने हेज है कुछ भी नहीं बहुत बड़ी अजमत वाली आयत है आयतल कुर्सी और आयतल कुर्सी में सबसे पहले जो लफ्ज अल्लाह है खाली लफ्ज अल्लाह के ऊपर हम गौर करें तो सुभान अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि अल्लाह अल्लाह के उन नामों को पुकारने से अल्लाह ताला दुआएं जरूर कबूल करता है वो सूरतुल बकरा में है सूरतुल आलि इमरान में है सूरह ताहा में है और अल्लाह इस बात की तहकीक करते हुए हिशाम इब्ने अम्मार दमिश्क के बहुत बड़े आलिम थे वो बयान करते हैं सूरतुल बकरा में आयतुल कुर्सी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तीन बातों का जिक्र किया आयतुल कुर्सी है दूसरी बात आलि इमरान की पहली आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम दूसरी बात तीसरी बात सूरह ताहा में वअनतिल वुजूहु लिल हय्युल कय्यूम तीनों में भी देखो अल हय अल कय्यूम है तो अल हय्यु अल कय्यूम कहकर तुम पुकारो अल्लाह को अल्लाह दुआ जरूर कबूल करता है अल्लाह के नबी की हदीस है तीन बातें तो इससे मालूम हुआ कि आयतल कुर्सी के अंदर जो बातें हैं जो सिफती नाम हैं उनको हमें सामने रखकर अल्लाह से पुकारें दुआ करें अल्लाह जरूर दुआ कबूल करता है और आयतल कुर्सी की जो फजीलत है इंसानों पर इस नहीं बल्कि जिन्नों पर भी उसका असर होता है किसी पर जादू हुआ जिनका साया लग गया आयतल कुर्सी की तिलावत वहाँ बहुत काम आती है जिन थरथरा जाते हैं कंपकंपाते हैं जितना भी बड़ा आदमी जितना भी बड़ा जिन हो आयतल कुर्सी की अगर तिलावत हो तो वो जल कर राख हो जाते हैं अगर काफिरी मुशरिकी के ऊपर वो आते तो ये बहुत अजीम आयत है आयतल कुर्सी का असर बहुत होता है इसके ऊपर हम इंसानों के ऊपर भी अगर ईमान के साथ हम सुने ईमान के साथ हम पढ़े ईमान के साथ माना और मफहूम मतलब को समझते हुए अगर पढ़े तो बहुत असर होता है इसकी जो फजीलत है
इसकी अहमियत के पेश नजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू उमामा रजी अल्लाह तआला की हदीस है, मन करा आयतल कुर्सी की फी दुबर कुल सलात मक्तूबा लम यमनाहु मिन दुखूलिल जन्नत इल्ला अन यमूत। नसाई की रिवायत है, सहहहु अलबानी, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा कि कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी आदमी हर फर्ज नमाज के पीछे यानी हर फर्ज नमाज पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, आयतल कुर्सी का जिक्र करता है, आयतल कुर्सी पढ़ता है, तो उसको कोई चीज मना नहीं करेगी जन्नत में दाखिल होने के लिए सिवाय मौत के, सिवाय मौत के। मौत आएगी फिर अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। कितनी अजीम बात है, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, इतनी बड़ी दौलत और हदिया वाली बात है। अल्लाह ताला कितनी सुभान अल्लाह मेरे और आपके लिए एहसान कर रहा हमारे ऊपर, हर नमाज के बाद एक बार पढ़ो और मेरे और आपके लिए सुबह में दुआएं में दुआओं में देखेंगे और शाम की दुआओं में देखेंगे, और सुबह शाम की दुआएं भी बहुत प्यारी हैं। आलिमुद्दीन जो किताब लिखी है हिस्नुल मुस्लिम, क्या माना है हिस्नुल मुस्लिम का, हिस्न बोले तो किला, किला किले के अंदर जो आदमी चला गया मजबूती में हिफाजत में सेफ में चला गया, हिफाजत में रह गया, तो हिस्नुल मुस्लिम का माना क्या बोले तो मुसलमान का किला, मुसलमान किले में रह गया। जब मुसलमान किले में होता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती। तो दुआएं पढ़ना गोया आदमी अपने